पोको F1 के लिए नुसंतारा प्रोजेक्ट 4.5 का एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है और ये मई 2022 का अपडेट है। तो देखते हैं इसके अंदर हमें चेंजेस क्या क्या मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और पिछले अपडेट के मुकाबले जैसे कि परफॉर्मेंस या बैटरी बैकअप में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले वर्जन अगर हम देखते हैं तो नुसंतारा का यहाँ पे 4.5 वर्जन मिल जाता है बिल्ड, जैसे कि 9 मई 2022 का ये। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 12L मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच में 2022 की अपडेटेड मिल जाती है, पिछले में अप्रैल का था। कर्नल हालांकि सेम ही मिल जाता है, पिछले में भी सिल्वर कोर का 10.10 ही था और अभी भी वही मिल जाता है। सेलिनक्स भी हमारा इन्फोर्सिंग ही मिल जाता है। वहीं यहाँ पे अगर हम नुसंतारा विंग्स में चलते हैं तो गेम स्पेस की अगर बात करें तो ये पूरा आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन थीम्स के अंदर में यहाँ पे डायनेमिक स्टेटस बार ये जो है न्यू ऐड किया गया है, जिसमें आपका डायनेमिक स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार दोनों ही मिल जाता है, जिसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर उन दोनों का चाहो तो, या डार्कनेस यहाँ पर मिल जाता है, डार्क स्टेटस बार आप इनेबल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। नेविगेशन बार जैसे कि मैं यहाँ पर इनेबल किया अभी यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं चलता हूँ यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर इसके, तो यहाँ जो है ये जो डायनेमिक सिस्टम बार जो दिया गया इसके अंदर हमारा जो नेविगेशन बार का कलर आप देख सकते हो यहाँ पे एसेंट मोड कर सकते हो या फिर सिल्वर वाला भी डार्क भी दिया गया। उसी तरीके से स्टेटस बार कलर टिंट भी आप चेंज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर जो कि डायनेमिक सिस्टम बार है तो इसके अंदर आपको मिलने वाली। वहीं नुसंतारा ब्लर सिस्टम में जाते हो तो यहाँ पर जो है आपको ब्लर मिल जाता है और ब्लर इनेबल करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी सेटिंग में आपको कुछ इस तरीके से ब्लर आपको मिल जाएगा। बैकग्राउंड में आपका वॉलपेपर देखने मिलता है ब्लर और यहाँ स्टेटस बार भी हम ट्रैक करते हैं। हालांकि ब्लर को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, इसका जो स्केल्स है वो सब भी जो है कंट्रोल कर सकते हो। ब्लर लेवल जो है वो भी आप ब्लर का जो रेडियस होता है उसको भी आप कंट्रोल कर पाओगे इसके अंदर में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है कंट्रोल करने के लिए। कंबाइन ब्लर भी मिल जाता है जो कि दोनों फिर आपको मिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, नीचे ऑप्शन दिया गया है। बाकी तो कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सेट कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छा अपने हिसाब से मतलब इसे एडजस्ट कर लेना आपको जितना सही लगे। एंड यहाँ पे कंबाइन वाला इसको इनेबल करने के बाद फिर ये दोनों मिक्स हो जाता, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टाइल में ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर लेना। फिलहाल ये जो है आपको लेटेस्ट मिलता है, बाकी फ़ॉन्ट सेम रहेंगे, आइकन पैक भी सेम है और बाकी के भी यहाँ पे सब सेम मिल जाते हैं। नेविगेशन वाला स्टाइल भी पिछले में आपको दिखाया था, मोनेट भी आपको ऐसे सेम ही मिल जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ चेंजेस हमें नहीं मिलता, तो ये भी पूरा सेम मिल जाता है। मोनेट में आपको क्रोमा फैक्टर ये सब जो है देखने को मिल जाता था। और अब यहाँ पे चलते हैं बाहर में, तो यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ ये ब्लैक थीम जो मिल जाता है और नुसंतारा क्लियर थीम ये पहले से थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसे यूज़ किया यहाँ पे नुसंतारा क्लियर थीम अभी जैसे इनेबल किया तो डार्क थीम साथ में इनेबल हो चुका है। अगर आप देखोगे डार्क थीम भी साथ में इनेबल हो चुका है, और अगर मैं इसे क्लियर थीम वाले को ऑफ़ करूँगा, पहले ऐसा नहीं था लेकिन जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो ये तो ऑफ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी देख सकते हो डार्क थीम ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल इसके अंदर देखने को मिल रहा है, फिर हमें जो है डिस्प्ले के अंदर से ही जो है इसे ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देखने को मिला है, क्लियर थीम इनेबल करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम इनेबल होता है और ऑफ़ नहीं होता, उसको ऑफ़ करने के बाद सेटिंग से करना पड़ता है फिर। एंड नोटिफिकेशन के अंदर वैसे आपको यहाँ पे जो है स्मार्ट नोटिफिकेशन साउंड एक था इस जगह पे जो अभी रिमूव हो चुका है, बाकी रीटीकर ये न्यू ऐड किया गया, जैसे रीडिज़ाइन हो जाता है हमारा नोटिफिकेशन स्लिम हो जाएगा, बाकी तो यहाँ पे और कोई चेंजेस हमें नहीं मिलते हैं। वहीं मिसलेनियस की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड ऐप्स ये हमें न्यू मिल जाता है इसके अंदर में जो है, हालाँकि अभी भी सिस्टम एप्लीकेशन ना के बराबर ही हैं तो उतने नहीं मिलते, बाकी अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज मिल जाता है, तो मैन्युअली गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, इसके अंदर नहीं आता है प्री इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद मिल जाएगा। बाकी तो सब कुछ सेम ही है। वैसे इसका जो लॉक स्क्रीन का सेक्शन है दोनों में ही आपको सेम मिलेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है। बैटरी के अंदर भी वैसे हमारा जो बैटरी स्टाइल है ये पूरा सेम है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं मिलता है। और क्लॉक ऑप्शन के अंदर भी कोई चेंज नहीं, आइकन मैनेजर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं मिलता, ये भी पूरी तरीके से सेम ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के अंदर क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन का जो ऑप्शन देखने को मिलता है सेकंड पे, ये वाला ये हमें न्यू देखने को मिल जाता है, जिसे नोटिफिकेशन आप क्लियर करने के लिए बटन इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे अगर आप आते हो तो डाटा यूजर्स अब देखने को मिल जाएगा, जो कि राइट साइड में यहाँ पे स्टेटस बार पे हमें ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये जो है आपको अब देखने को मिल जाता है डाटा यूजर्स भी। और तो यहाँ पे आपको लास्ट में ब्राइटनेस कंट्रोल का सेक्शन मिल जाएगा, जो कि स्टेटस बार पे डायरेक्ट ड्रैग करके आप डायरेक्ट कंट्रोल कर पाओगे। ट्रैफिक इंडिकेटर सेम रहेगा, वहीं सिस्टम के अंदर हमारा जो है यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर में ये सब जो है सेम मिल जाएगा यहाँ पे दोनों में ही। लेकिन सेंसिटिविटी सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है बैक जेस्चर एनिमेशन जो है ये न्यू मिल जाता है, जो कि हम यहाँ पे बैक करते हैं एनिमेशन जो मिलता है इसको आप ऑफ कर सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो ये नहीं देखने को मिल रहा है, इसको ऑफ कर सकते हो। तो ये जो है अभी फिलहाल इसके अंदर न्यू ऐड हुआ, बाकी तो सेम है। थ्री बटन नेविगेशन भी अच्छे से काम कर रहा है, इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को यहाँ पे भी मिल जाता है।
तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने जो कि नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो यहाँ पे भी वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट हमारा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी की सेटिंग में भी वैसे आपको सेटिंग्स के मामले में कोई चेंजेस नहीं मिलता है, पूरा आपको सेम मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 73% बैटरी मिली है और पिछले में भी 73 थी, कर्नल भी सेम ही मिल जाता है। तो बैटरी सिमिलर आपको पिछले अपडेट जैसे ही मिलेगी वैसे। एंड यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर कास्ट की बात करें तो कास्ट का प्रॉब्लम मिल रहा है, काम नहीं कर रहा। बाकी ऐप्स के अंदर में डिफॉल्ट ऐप हमारा जैसे कि लॉन्चर, पिक्सल लॉन्चर मिल जाता है, और इसके अंदर जो असिस्टेंट है ओके गूगल के यूज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नोटिफिकेशन सेम रहेगा। बाकी साउंड के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर जो है पिछले अपडेट में क्या हो रहा था कि फ़ोन रिंगटोन पे जाते क्रैश कर जा रहा था, ये दिक्कत दे रहा था, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट नोटिफिकेशन के लिए दिया गया ये भी जो है क्रैश कर रहा था। अभी फिलहाल ये फिक्स हो चुका है। एंड यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, बस MI साउंड एनहांसर के अंदर पहले एक्स्ट्रा जो है ऐड कर दिए गए थे प्रीसेट्स, अब वापस से रिमूव कर दिए गए हैं, तो बस ये यहाँ पे एक थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल जाता है। वहीं डिस्प्ले के अंदर में आपका लॉक स्क्रीन यहाँ पे जो है सेम रहता है, यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। और फिर नीचे डार्क थीम अच्छे से काम कर रहा है, कलर्स भी सेम मिल जाता है और रोटेशन भी। और यहाँ पे जो डिस्प्ले कटआउट, इसके अंदर अब एक्स्ट्रा कटआउट्स मिल जाते हैं, हाइड नोच के दो दो दिए गए, एक तो ये मिल जाता है, दूसरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे भी जो है कभी कभार अगर हम डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं हाइड नोच करने के बाद डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं तो उस टाइम पे जो है परफेक्ट सेट नहीं होता, फिर दूसरा लगा लगा करके सेट करना पड़ता, तब जाकर के ये डिफ़ॉल्ट वाला बिल्कुल परफेक्ट सेट होता है। बाकी फुल स्क्रीन ऐप्स जो मिलता है इसके अंदर भी अभी भी जो है आपको देखने को नहीं मिलने वाला सिस्टम ऐप्स। और अब चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड किया गया है सिस्टम आइकन पैक, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पहले नहीं मिलता था, तो ये भी यहाँ पे अब ऐड कर दिया गया। बाकी इसका जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है वो न्यू देखने को मिल जाता है, तो एक वॉलपेपर अभी फिलहाल इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो है चेंज हो चुका है। और तो सब कुछ सेम है, स्क्रीन पे होल्ड करने पे पहले की तरह आपको रीसेंट वॉलपेपर्स भी मिल जाते थे, यहाँ कोई चेंजेस नहीं रहेगा। एसबिलिटी सेम है। बाकी सिक्योरिटी के अंदर सेटिंग्स भी यहाँ पे आपको सेम मिल जाती है। ऐप लॉक के अंदर अभी भी जो है ऐप लॉक में भी यानी कि आपके जो सिस्टम ऐप्स है अभी देखने को नहीं मिलते, लेकिन आगे ज़रूर मिलेंगे, ऐड होंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐड नहीं हुए हैं। और यहाँ पे अब जो है ऑटोमेटिक जो रिबूट का है ये ऑप्शन एक दे दिया गया ऑटो रिबूट का, जिसमें 72 आवर तक का आप ऐड कर सकते हो टाइम, ये इसके अंदर इस अपडेट पे ऐड किया गया है। बाकी मैं यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दिखा दूँ किस तरीके से काम करें, तो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट मिलता है, इसका जो रिपल इफेक्ट है मैं ऑफ कर रखा हूँ एनिमेशन, तो काफ़ी अच्छे से काम करो। जो फेस अनलॉक है बिल्कुल अच्छे से काम करा, IR फेस अनलॉक जैसे कि इसके अंदर वर्किंग है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, इनमें हमें दिक्कत नहीं मिलता है। रोम आपको नॉट इनक्रिप्टेड मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे हमारा जो डिजिटल बल्बिंग है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और सिस्टम के अंदर हमारा जो लाइट रन स्लेट है ये तो पहले की तरह मिलेगा, जेस्चर भी पूरा सेम है, सिस्टम नेविगेशन ऑलरेडी आपको दिखा दी, तो या इसके अंदर भी वैसे कोई चेंज हमें नहीं मिलती, लास्ट में डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गूगल डिस्कवर भी हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और स्टेटस बार के अंदर पिछले में आपको दिखाया था कि क्या प्रॉब्लम था, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लॉक इसकी मिलती है इसके अंदर जो क्लॉक स्टेटस बार पर मिल जाती, पहले नॉच पे बिल्कुल घुसी हुई तो ऊपर आपको देखने को मिलती थी, ये जो है कट रहा था, लेकिन अभी नीचे कर दिया गया हल्का सा, तब बिल्कुल परफेक्ट फिट लग रही थी, तो अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे एनिमेशन के मामले में थोड़ा बहुत आपको लैग हल्के फुल्के कभी कभार मिल जाते हैं, बाकी हमेशा देखने को नहीं मिलता है। और वैसे टाइल्स अगर आप देखोगे तो टाइल्स के मामले में यहाँ पे कोई चेंज नहीं रहने वाला, बस MI साउंड एनहांसर का जो यहाँ पे टाइल था पहले ड्रेक का वो रिमूव हुआ, बाकी तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी सेटिंग सेम ही है, हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर लैग थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला इस बार, जैसे कि स्टार्ट हो जाता मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर जो लैग है काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था, लैगिंग जो है यहाँ पे फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी वॉल्यूम पैनल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, एक्सपेंड अप कर सकते हो, पहले नहीं कर पा रहे थे लेकिन अभी एक्सपेंड अप जो है कर सकते हो। और ऐप ओपनिंग यहाँ पे ये जो है आपका सिमिलर है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ कुछ एप्लीकेशन पे हल्के फुल्के लैग्स हो जाते हैं, ये भी जो है हमेशा नहीं करता, कभी कभार ही कर देता। बाकी आइकन पे टैप करने पे आपका जो है स्प्लिट स्क्रीन ये सब जो है पहले की तरह काम कर रहा है। और कैमरा वही ग्राफिन OS वाला ही मिल जाता है डिफ़ॉल्ट के अंदर में, तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है। और इसके अंदर आपका GCam इंस्टॉल कर लेना काम करता है, FM भी वर्किंग है। और यहाँ पे गूगल फोटो जैसे कि मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, सेटिंग में भी दिया गया है। और मैं GApps इंक्लूडेड वाला बिल्ड इसका इंस्टॉल किया हूं। बाकी हमारा जो प्ले स्टोर है सर्टिफाइड ही आता है, सेफ्टी नेट पास है बाय डिफॉल्ट, तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो विजेट्स इसके अंदर आते हैं वो भी यहां पे फिलहाल लेटेस्ट ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी कॉलिंग की बात करें तो वॉल्टी काम करा है, और इसके अंदर जैसे कि कैरियर वीडियो कॉल भी वर्किंग है, Jio आप कर सकते हो, एंड ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे काम करता है, वाईफाई कॉलिंग भी बिल्कुल वर्किंग है। और इसके अंदर हालांकि हमें कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता, गूगल डायलर बट देखने को अभी नहीं मिलता। बाकी अगर हम चलते हैं टूडे स्कोर की तरफ तो 374,000 मिल जाता है, पिछले में 303,000 देखने को मिला था। वहीं CPU थ्रोटल रेट देखोगे तो यहाँ पे 72% मिला है, पिछले में 69% तक देखने को हमें यहाँ पे
मिला था। एंड गीगबेंच स्कोर देखोगे तो सिंगल में 469 है और मल्टी के अंदर 1576 मिला है। पिछले में सिंगल 335 था और मल्टी के अंदर 1172 देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके से हमारे स्कोर्स हैं जो कि देखने को इसके अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे गेम स्पेस की बात करें तो गेम स्पेस आपका पूरा सेम रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं मिलती है। यहाँ से आप FPS इन्फो ये सब जो है इनेबल कर सकते हो, बाकी चेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ग्राफिक जो इसके अंदर मिलती है वो भी सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे भी हमें कोई चेंजेस नहीं मिलता, तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं। वैसे इसके अंदर जो इसका चार्जिंग एनिमेशन है एसेंट कलर बेस्ड जो है आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर अगर आप वनीला करते हो उसके अंदर जैसे कि नुसंतारा लॉन्चर मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपको नुसंतारा लॉन्चर के अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको देखने को थोड़ी मिल जाएंगी, इस अपडेट में ऐड किया गया। वैसे मैं यहाँ पे GX वाला इंस्टॉल किया इसलिए इसके अंदर पिक्सल लॉन्चर देखने को मिल जाता है। बाकी परफॉर्मेंस की अब बात करते हैं गेमिंग के मामले में, तो गेमिंग के मामले में यहाँ पे फिलहाल मुझे पहले जैसा ही मिला, उसमें ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे नॉर्मल ठीक ठाक पहले परफॉर्मेंस थी वही अभी भी मिल जाती है, कर्नल भी इसके अंदर सेम ही मिलता है, बैटरी भी सिमिलर सा मिल जाता है। तीन चीज़ों में उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे कि आपको दिखाया लैगिंग थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे। बाकी तो परफॉर्मेंस के मामले में ये UI देखोगे तो सिमिलर आपको मिल जाता है, उनमें उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इसके अंदर मिल जाती है, और जो चेंजेस थे वो भी जैसे कि आपको यहाँ पे बता दें। अगर किसी को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।